एक डूबते हुए हेलीकॉप्टर में से निकलने के लिए मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि कुछ इस टाइप की दिखती है। किसी इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर और प्लेन्स की क्रैश लैंडिंग पानी में कराई जाती है, पर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग में काफी ज्यादा अंतर होता है। हेलीकॉप्टर के पानी के अंदर डूबने की प्रोबेबिलिटी प्लेन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती है, और इसीलिए क्रू मेंबर्स को ईग्रेस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए एक पूल में इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्रू मेंबर्स के साथ में डुबाया जाता है। नाउ ये ट्रेनिंग देखने में डेंजरस लग सकती है, क्योंकि इन सभी ट्रेनीज को पानी के अंदर जाने तक अपना सीट बेल्ट लगा करके रखना था, लेकिन रियल लाइफ में ये सिचुएशन इससे भी कई गुना ज्यादा डेंजरस होगी, क्योंकि बिना हवा के एक तो पानी के अंदर ज्यादा देर रहा नहीं जा सकता, और दूसरा अगर हेलीकॉप्टर ऐसे पानी में गिरा है जहां पर विजिबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से बाहर निकलना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है।